पूछते हैं कि हम और वो कबीलाई लोग एक क्यों नहीं हैं, तो उसका मैं छोटा सा आंसर करना चाहता हूं कि 9 साल की कन्या के पैर पूजने वाले और 9 साल की कन्या के पैर उठाने वाले कभी एक नहीं हो सकते। गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले कभी एक नहीं हो सकते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर महिलाओं का सम्मान करने वाले और महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ सामान समझने वाले एक नहीं हो सकते। स्त्री से विवाह 7 जन्मों के साथ की शपथ करने वाले और औरत यानी कि वजीना के साथ निकाह अर्थात कॉन्ट्रैक्ट टू फक करने वाले कभी एक नहीं हो सकते। रिश्तों की पवित्रता पर मिट जाने वाले और अपनी बहन बेटी पर चढ़ जाने वाले कभी एक नहीं हो सकते। एक पत्नी धर्म निभाने वाले और 4 की कुर्बानी चढ़ाने वाले कभी एक नहीं हो सकते। तमसो मां ज्योतिर्गमय कहकर सूर्योदय के पूर्वोन्मुख होकर प्रार्थना करने वाले और अंधेरा कायम रहे की भावना से पश्चिमोन्मुख होकर तशरीफ उठाने वाले कभी एक नहीं हो सकते। अखंडित प्रतिमाओं को तिलक करने वाले और 27 टुकड़ों में खंडित काले पत्थर को चूम कर झूठा करने वाले कभी एक नहीं हो सकते। पूर्ण चंद्रमा की उपासना करने वाले और कटे हुए चांद की उपासना करने वाले जिनकी शुरुआत ही काट छांट से होती है वो कभी एक नहीं हो सकते। अनकट वाले अखंड शरीरधारी और खंड खंड कटवाधारी कभी एक नहीं हो सकते। राष्ट्रमेव जयते व इदम राष्ट्राय इदं न मम कहने वाले और उम्मा के लिए देश से भी गद्दारी करने वाले कभी एक नहीं हो सकते। दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करने वाले और दिन की शुरुआत मारकाट से करने वाले कभी एक नहीं हो सकते। मूछो वाले शेर और दाढ़ी वाले बकरे कभी एक नहीं हो सकते। रणभेरी बजाकर सामने से युद्ध करने वाले और झुंड बनाकर निहत्ते बेगुनाहों की पीठ पर वार करने वाले गीदड़ कभी एक नहीं हो सकते। कभी एक नहीं हो